तो जयपुर से तकरीबन 80 किलोमीटर दूर राजस्थान के शेखावटी के शिखर जिले में स्थित है परमधाम खाटू, और यहाँ विराजित हैं खाटू श्याम जी। तो अब बात आती है कि कौन है खाटू श्याम जी। तो आप में से महाभारत कितने लोगों ने देखी है? आई एम श्योर बहुत से लोगों ने देखी होगी, और अगर जिसने नहीं देखी है तो वो जाके देख लेना एक रेफरेंस के लिए। तो पांडु पुत्र भीम ने शादी करी थी हिडिंबा से, जो कि एक राक्षसनी थी, और जिनका मनाली में टेम्पल भी, हिडिंबा देवी टेम्पल आपने देखा भी होगा, और उनके पुत्र थे घटोत्कच, और उनके भी पुत्र हैं बर्बरी, जिनको खाटू श्याम बाबा के नाम से पूजा जाता है, जाना जाता है। पर अब सवाल उठता है क्यों, बताता हूँ। पहले ये जर्नी तो चालू करो, और हर बार की तरह ये जर्नी भी चालू होती है दिल्ली से। अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, क्या हाल चाल है सभी के। आज मैं जा रहा हूँ खाटू श्याम, सॉरी हम जा रहे हैं खाटू श्याम जी, और अभी टाइम हो रहा है तकरीबन 8:30 बज रहे हैं। 10 बजे की हमारी बस है कश्मीरी के TISBT से, तो सामान वगैरह पैक करते हैं और चलते हैं फिर। सो फाइनली वी आर रीच टू कश्मीरी गेट, और मेरे साथ इस ट्रिप पे कुछ लोग और हैं, मतलब आपके और मेरे अलावा अपने भाई लोग, अपने पंटर लोग, तो मिलवाता हूँ आपको धीरे धीरे। तो पहले हमारे क्या हाल चाल है गाइस, और दूसरा हमारा शुभम जो कि एक व्लॉगर है, और तीसरा क्या हाल चाल है भाई। तो अभी ये है कि टाइम हो रहा है 10:10, 10:30 बजे की हमारी बस है, तो पहले फटाफट चल लेते हैं, बस में चेक इन कर लेते हैं, बस कहाँ खड़ी है देख लेते हैं। कुछ गेट नंबर 5 बता रहे थे, तो बस में चेक इन करने के बाद मिलता हूँ आपसे। हमारी जो बस है इसमें सीन क्या है कि अपर साइड पे स्लीपर है और नीचे साइड पे लोअर है, और हम लोगों ने जो है वो लोअर साइड की, मतलब नीचे जो नॉर्मल सीट है वो ले रखी है। हमें स्लीपर वाली लेनी चाहिए थी, क्योंकि नॉर्मल में दिक्कत ये हो रही है कि सफोकेशन हो रही है, उतना कंफर्टेबल हम लोग नहीं बैठ पा रहे हैं। तो अगर आप आ रहे हो खाटू श्याम, तो एक सजेशन है कि आप लोग स्लीपर सीट लेना, आप नॉर्मल सीट मत लेना, तो ज्यादा कंफर्टेबल रहोगे, अच्छा रहेगा आपकी जर्नी के लिए। बाकी ये है कि अब चलते हैं फटाफट, कुछ खा पी लेते हैं क्योंकि बस चलने का भी टाइम हो जाएगा फिर। भाई खाना वाना तो खोल ले, बैठ गया तू आराम से आगे। नवीन चाय का ऑर्डर दिया जा। भाई हम कहाँ आ गए? चल भाई सामने बता रहा है वो, सीधा ये रोड पे सीधा आगे 400-500 मीटर दूर है मंदिर। सो फाइनली वी आर रीच टू खाटू श्याम मंदिर, और अभी सुबह के 5:30 बज रहे हैं, और 10:30 बजे हम लोग चले थे, तो अप्रोक्स 7 घंटे लगे हमें मंदिर आने में। और अभी यहाँ पर टेम्परेचर तकरीबन 6 डिग्री हो रहा है, तो ठंड अच्छी खासी हो गई है। दोपहर में क्या पता थोड़ा धूप वगैरह निकले तो थोड़ी बहुत गर्मी हो। तू ही बोल ले पहले, तू ही बना ले। हाँ दो लाइनें रट के आया बस, वही आती हैं। बोल आगे बोल। सो वी आर इन आर होटल, मतलब हम अपने होटल में आ गए हैं। तो हमें 2500 के आसपास का रूम पड़ा है, डिसेंट प्राइस है क्योंकि रूम अच्छा है। बाकी और भी जगह रूम देखें तो रूम ज़्यादा अच्छे नहीं थे, इतने हाइजीनिक भी नहीं थे। बाकी एक बार आपको रूम का भी टूर करा देता हूँ, रूम दिखा देता हूँ। तो ये है अपना रूम, जो हमें रूम हमने कराया, डिसेंट रूम है, अच्छा रूम है। ये है कि थोड़ा बहुत नींद पूरी नहीं हुई है, फ्रेश अप वगैरह हो लेते हैं, थोड़ा सो लेते हैं, उसके बाद में मंदिर में दर्शन करने के लिए जाएंगे। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू फ्रॉम खाटू श्याम। तो क्या हाल चाल है सभी के। अभी हम लोग जा रहे हैं मंदिर में दर्शन करने के लिए,
और अभी टाइम हो रहा है तकरीबन 11 बज रहे हैं, 12:30 बजे तक लास्ट दर्शन होते हैं, उसके बाद मंदिर बंद हो जाता है, फिर सीधा शाम को ओपन होता है। सो फाइनली हम लोग अब दर्शन के लिए जा रहे हैं मंदिर। अब चलो पहले यार, मंदिर के लिए लेट हो रहे हैं। एक भाई मैं यात्रा करवाऊंगा तुम्हारी, उसकी टेंशन तुम मत। चल ठीक है, चल अब चल। अबे यार 12 बज गए, चल। साहब ले लिया है, फटाफट अब मंदिर चल रहे हैं। फर्स्ट टाइम मैं भी आ रहा हूँ, तो तुम्हें कुछ पता है नहीं, तो देखते हैं एक बार चल के। नवीन कैसा लग रहा आके? बहुत बढ़िया, सुकून मिल रहा है, हमारे काम पूरे होंगे, हमारा बिजनेस भी सुकून ऊपर चलेगा। पर लालची मांगने ही आएगा यहाँ कुछ। तो दर्शन हो गए हैं खाटू श्याम बाबा जी के, अच्छे से दर्शन हो गए हैं। अपनी लाइन में इतनी भीड़ नहीं थी, थोड़ा दूर से दर्शन हुए लेकिन हो गए हैं ठीक ठाक दर्शन, क्योंकि आगे वाली लाइन में भीड़ बहुत ज़्यादा थी। और अभी हम लोग जा रहे हैं श्याम कुंड, तो वो चल के आपको दिखाते हैं, तो चलते हैं चलो। तो जी ये है श्याम कुंड और यहाँ की तरफ जाने का रास्ता है, और हम लोग अभी वेट कर रहे हैं हमारे भाई लोग का, ये हमारा ब्लॉगर आ रहा है, तो चलते हैं उसके बाद। तो जस्ट मेरे पीछे है श्याम कुंड और यहाँ पर लोग बाग स्नान करते हैं, आप देख रहे होंगे ये पानी सीधा जमीन से निकलता है। तो जी फाइनली कुछ खाने के लिए आ गए हैं, और भूख बहुत तेज लग रही थी क्योंकि सर में भी दर्द चालू हो गया था, सुबह से कुछ खाया नहीं है, और अब तकरीबन 2:30 बज रहे हैं। पहले सोचा था कि दर्शन कर लें उसके बाद में कुछ खाते हैं, पर दर्शन वगैरह से जैसे ही फ्री हुए हैं और श्याम कुंड वगैरह से भी फ्री हुए हैं, तो अब फाइनली कुछ खाने के लिए आ गए हैं। कितने का है पूरा सामान? 2.5 रुपए दे दूंगा। तुम टांग ले से, तुम अभी हम लोग आए हैं अभी चाय पीने के लिए, पीछे आप देख ही रहे हो चाय का स्टॉल है। बाकी है कि थोड़ी धूप वगैरह निकल गई है तो मौसम थोड़ा खुल गया है, अब थोड़ी जान में जान आई है, वरना बहुत बुरा हाल था ठंडी के मारे। शुभम भाई भी कुछ कहना चाह रहे हैं, बताओ सर। लागला खाटू वाले का हो गया। तो अब आते हैं अपने सवाल पर कि बरबरी कौन है और क्यों इन्हें खाटू श्याम जी के नाम से पूजा जाता है।
तो इस सवाल का जवाब कुछ इस प्रकार है। पहला कि वो इस संसार के सर्वश्रेष्ठ धनुधर थे, उनसे ऊपर सिर्फ हमारे प्रभु श्री राम ही माने गए हैं। और दूसरा ये कि उन्होंने एक देवी की तपस्या करके 3 तीर प्राप्त करे थे, और वो तीर ऐसे थे कि अपने लक्ष्य को भेद के वापस उनके पास आ जाया करते थे, कि वो किसी भी लक्ष्य को भेज सकते थे। और तीसरा ये, जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तो उनकी माता ने यानी कि उनकी मदर ने बर्बरीक से ये वचन लिया था, ये प्रॉमिस लिया था, आप पहला तो हारे का सहारा बनोगे, यानी कि जो भी हार रहा होगा आप उसका सहारा बनोगे, दूसरा कि आप किसी भी ब्राह्मण को कभी भी दान देने के लिए इनकार नहीं करोगे, वो चाहे कुछ भी मांगे आप दान दोगे। तो जब ये महाभारत का युद्ध हो रहा था तो युद्ध के बीच में सेंट्रल में एक पीपल का पेड़ था, उसके नीचे आगे बर्बरीक ने घोषणा कर दी थी कि जो भी साइड हारेगी मैं उस साइड से लड़ूंगा, चाहे वो कौरव हो या हो पांडव। अब ये बात सुन के श्री कृष्ण बहुत ही चिंतित हो गए थे, क्योंकि जब श्री कृष्ण उनसे मिले थे तो श्री कृष्ण ने बर्बरीक को कहा था कि ये एक पेड़ है, इस पेड़ के सारे पत्तों के बीच में छेद करना है, वो भी एक ही तीर से। तो जब बर्बरीक ने वो तीर छोड़ा तो वो एक के बाद एक उन पत्तों के बीच में छेद करता चला गया, और तभी एक पत्ता नीचे गिरा, कृष्ण जी ने उसे अपने पैरों से दबा लिया, छुपा लिया। लेकिन जब सारे पत्तों में छेद हो गया तो वो तीर कृष्ण जी के पैर के पास आके रुक गया। तब बर्बरीक ने कहा कि प्रभु अपना पैर हटा लीजिए, आपके पैर के नीचे एक पत्ता है और मेरा तीर उस पत्ते को भेद के ही मानेगा, मैंने अपने तीर को उस पत्ते को भेजने के लिए बोला है, आपके पैर को भेजने के लिए नहीं बोला। अब ये चीज देख के कृष्ण जी को पता था कि बर्बरीक कौन है, वो क्या कर सकते हैं, इसीलिए श्री कृष्ण थोड़े चिंतित हो गए थे। फिर बाकी ये है कि फिर श्री कृष्ण ने एक ब्राह्मण का रूप लिया और बर्बरीक से उनका सर मांग लिया, लेकिन बर्बरीक को पता था कि ये जो ब्राह्मण है ये कोई और नहीं बल्कि प्रभु श्री कृष्ण है, तो उन्होंने वो अपना सर काट के उनको दे दिया। तो वो जो सर था वो श्री कृष्ण ने जहां पर लाके रखा उस जगह को ही खाटू बोला जाता है, जहां पर मैं बैठा हूं आप देख रहे हो, यही जगह को खाटू श्याम बोला जाता है। और साथ में उन्होंने बर्बरीक को ये वरदान दिया, कलयुग में तुम्हारी पूजा मेरी पूजा होगी, कि जो तुम्हारी पूजा करेगा वो मेरी पूजा करेगा, कि तुम मेरे नाम से जाने जाओगे, तुम खाटू श्याम नाम से जाने जाओगे। तो ये थी कहानी के बर्बरीक की, खाटू श्याम जी की, कि क्यों इनका नाम खाटू श्याम जी पड़ा बर्बरीक से और क्यों इन्हें इतना पूजा जाता है। बोलने नहीं दे रहे यार। तो जी अभी टाइम हो रहा है, 7 बज रहे हैं और हम लोग चेकआउट कर रहे हैं और यहाँ से हम लोग जा रहे हैं दिल्ली वापस, पर पहले देख लेते हैं कुछ डिनर वगैरह कर लेते हैं, कुछ खा लेते हैं। और ये अपने भाई लोग हैं, 6 बजे का चेकआउट था, 7 बज गए हैं, तो उसे वो बोल। तो भाई तेरे चक्कर में ही बजे हैं, बाथरूम में इतना टाइम लगा दिया, फटाफट करो चलो यार। तो ये होटल है जिसमें हम लोगों ने स्टे करा है और ये है हमारे 3 बंदर। तो लो जी दूध वगैरह सब पी लिया है और पराठे पैक करा लिए रात के लिए, और अभी टाइम हो रहा है 8:30 बजे, 9 बजे की अपनी बस है, अब बस के पास ही जा रहे हैं अपने। अभी ये कहाँ रुक गया ये, ओए आ जा। तो अब इस वीडियो को भी एंड करने का टाइम आ गया है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बाकी मिलते हैं अगले व्लॉग में। इसे देखा इसे।